दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फैक्टर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों की संसद के बारे में। जी हाँ, यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस देश की संसद बताइए जी, तो आप बहुत जल्दी से जवाब देंगे। इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम जहर ट्रिक बताने वाला हूँ कि 7 जन्मों तक इसके संसद भूलने वाले नहीं हैं। आप बस इस वीडियो को देखते रहना। सभी संसद क्लासीफाई कर रखी हैं, किसी भी देश की आ जाए इम्पोर्टेंट छूटने वाली नहीं है। इस वीडियो को देखते रहना। शुरू करते हैं पहले देश जर्मनी से। जर्मनी ऐसा लग रहा होगा जैसे जंगल, जय सजंगल और जर्मनी, इस तरह से सोचिए। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। तो बुडस्टैग यानी कि जंगलों में लकड़ी होती है, तो जर्मनी की जो संसद है बुडस्टैग, बिल्कुल याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है इसराइल। इसराइल को मैं एक इस तरह से बताऊंगा कि इसराइल पर जब भी कोई बाहर से आक्रमण करता है तो वहाँ की जनता एक साथ होकर उसे सेट कर देती है, बिल्कुल तरीके से सेट कर देती है। तो इसका इसराइल का हो जाएगा नए सेट, तो है ना। इसके बाद बात करते हैं जापान। जापान डाइट, तो वहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, वहाँ के जो लोग हैं अपनी डाइट पर बहुत ही ध्यान रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं मालदीव की मजलिस। और एक और बताऊँगा, इनकी आपको बिल्कुल मजलिस याद ही रखनी है। जी हाँ, इसकी ट्रिक आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट की ट्रिक बहुत ही खतरनाक है। स्पेन की है कोर्टेस। ठीक है, तो पेंट के साथ कोट पहनते हैं हम, बिल्कुल पेंट कोट। ठीक है, कोट के साथ पेंट होती है, तो इसलिए स्पेन की हो जाएगी कोर्टेस। इसके बाद नेक्स्ट नेपाल। नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए, नेपाल एक छोटा सा देश है, तो वहाँ जैसे आप गांवों की बात करें तो गांव छोटे ही होते हैं अक्सर, हम यही मान कर चलते हैं, और वहाँ पर पंचायत ही सब कुछ कर देती है निर्णय। तो इसी तरह मान के चलिए नेपाल की हो जाएगी राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद हम रूस की बात करते हैं। रूस की जो ट्रिक है कहीं भी नहीं मिलेगी। जब कोई भी बालक रूस जाता है, गाँव वाले अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इस बात को, तो उसको हम बच्चे को कहते हैं ड्यू पिलाएंगे तुझे, ड्यू चुप हो जा तू। तो बच्चा रूस जाता है तो उसको क्या पिलाई जाती है, ड्यू, तो इसका हो जाएगा ड्यू मा। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं ईरान मजलिस। अब देखिए, ईरान और मालदीव मजलिस याद रखनी है। ईरान की हल्की सी ट्रिक बताऊंगा बस, जब हम किसी से कहते हैं अरे इराकुआ मालिश कर दे जरा हमारी, तो ऐसे ही याद कर लो इसे भी, तो बहुत ही फार ट्रिक है, गाँव वाले आराम से समझ सकते हैं, प्लस शहर वाले भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, मलेशिया दीवान निगारा। ठीक है, मलेशिया की है दीवान निगारा, इसे 2-3 बार पढ़ लो याद हो जाएगी। ठीक है, दीवान निगारा। इसके बाद हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान सोरा। ठीक है, तो अफगानिस्तान मतलब कोई भी गाता तो शोर ही मचता, तुम देखोगे शोर, तो इसलिए इसकी हो जाएगी सोरा। ठीक है, पोलैंड यानी कि से सोजिम होता है, वैसे तो ल्यूसेंट की किताब में सोजिम है, और जैसे नेट से देखा है तो सेजम। तो पोलैंड, देखिए पोल वोल किस में होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे जिम वगैरह में, तो ये हो जाएगी सोजिम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मंगोलिया की बहुत ही तकड़ी बताई है मैंने, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। मंगोलिया, जब भी मांग करके काम मांगने वाला आता तो तुम यही कहोगे अभी रुक जाओ खुले देख रहे हैं जी हम। ठीक है, खुर्रल, तो इसकी हो जाएगी खुराल। ठीक है, कहीं खुरल है कहीं खुराल है, तो आप इसमें टेंशन ना लें, ऑप्शन खुरल खुराल जो भी आए उस पर लगा देना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेनमार्क फोलकेटिंग। अब देखिए, डेनमार्क की कितनी तगड़ी ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको कि जब भी कोई कटिंग करवाता है ना कटिंग, तो मार्क यानी निशान जरूर लगवाता कि भाई इधर को निशान लगा दो, अब क्या ये फैशन चल रहा। ठीक है, अब नीदरलैंड की हम बात करते हैं। स्टेट जनरल। ठीक है, नीदरलैंड की स्टेट जनरल ये आपको याद करनी पड़ेगी। नीदरलैंड की स्टेट जनरल यानी कि नीदरलैंड की स्टेट है जनरल। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद हम विभिन्न देशों की संसद। इटली पर आ गए हैं। इटली की है सीनेंट यानी कि ईंट को चिपकाने के लिए सीमेंट की जरूरी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सऊदी अरब मजलिस अलसूरा। सऊदी अरब मजलिस अलसूरा, देखिए मजलिस किसकी है, एक तो ईरान की और एक मालदीव की, और इसमें सूरा और लगा देंगे यानी कि सऊदी अरब,
तो यहाँ पर तीन आपको इसी तरह से याद होने वाली हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद मैंने संसद वाले सभी देश डिवाइड कर रखे हैं, जैसे हमारे देश की भारत की संसद है, ठीक है, इसी तरह बांग्लादेश की जातीय संसद, जातीय संसद, ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद, संघीय संसद, जितने की ट्रिक हो सकती थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है पूरी तरीके से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट, तो यह भी ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद हम पार्लियामेंट वाले देशों पर आ गए हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की है पार्लियामेंट, ब्रिटेन की है पार्लियामेंट और कनाडा की है पार्लियामेंट। इसके ट्रिक जान लो, इसके ट्रिक जो मैंने बताई है ए बी सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, ए बी सी की क्या है पार्लियामेंट, तो ये याद हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ए बी सी। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस, जहाँ पर कांग्रेस है संसद, जैसे चीन की बात करें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, ऐसे याद करें। यूएसए, यूएसए की कांग्रेस है। इसके बाद हम ब्राज़ील की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं असेंबली वाले देशों पर, असेंबली मिस्र, मिस्र की है पीपुल्स असेंबली, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, मिलकर, मिस्र ऐसा समझ लो कि मिलकर, मिलकर कौन रहते हैं पीपुल्स, यानी कि लोग मिलकर ही रहते हैं असेंबली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, फ्रांस की नेशनल असेंबली और कुवैत की है नेशनल असेंबली। इनकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, पी के एफ, यानी कि पी के फिल्म, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, तो पी के फिल्म नेशनल असेंबली, देखिए ये पी है, ये के है और एफ, पाकिस्तान, कुवैत, फ्रांस, इन तीनों की नेशनल असेंबली है। इसके बाद टर्की, जिसको हम तुर्की कहते हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली इसकी है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसके बाद नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, और फेडरल, फेडरल एक और थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संघीय संसद, या फिर ऑस्ट्रेलिया को पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर पार्लियामेंट है। अगर हम बात करें इसकी ल्यूसेंट की बुक में तो फेडरल पार्लियामेंट है खाली, और अगर हम इस पर देखें गूगल पर तो आपको फेडरल पार्लियामेंट ये संघीय संसद दिखेगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करते रहना, और यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने के लिए आ गए हैं, अब देखते हैं आपको कितने याद हैं। स्पेन की संसद, तो जल्दी से सब अपने जवाब कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। तो मैंने आपको बताया था स्पेन, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोट में पेन जरूर रखते हैं हम ताकि लुक अच्छी लगे, या फिर पेंट के साथ कोट पहनते हैं हम, ठीक है, कोट पैंट, ये ऐसे याद रख सकते हैं कोट के साथ पैंट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट नेपाल की आप बता सकते हैं, नेपाल की, नेपाल की क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत ही है ना, बिल्कुल सही है। इसके बाद रूस की, तो जब बच्चा रूस जाता है तो क्या देते हैं हम उसे, ड्यूमा, ड्यूमा, ठीक है, रूस की ड्यूमा। फ्रांस की क्या हो जाएगी, पी के एफ, जो हमने याद करा था पी के, पी के एफ, तो फ्रांस आ रहा है ना, फ्रांस की क्या हो जाएगी, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, फ्रांस की नेशनल असेंबली हो गई। इसके बाद पोलैंड, पोलैंड मतलब पोल किस में होते हैं, जिमों में, तो इसकी हो जाएगी सोजिम, सोजिम या फिर सेजम, ठीक है। इसके बाद है ईरान, ईरान की क्या हो जाएगी, मजलिस, जब हम कहते हैं ना इरेकुआ, मालिश करवा ले अपनी, या हमारी मालिश कर दे, ठीक है, किसी बच्चे को बुलाते हैं मजलिस, मै जे ले इस से। तो उम्मीद करता हूँ आपके तैयार हो गए होंगे, यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं तसल्ली से। और इस पीडीएफ को पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, किसी का कुछ पैसा नहीं है। जो भी कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पर ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। पसंद आई है तो लाइक कर दें, वरना डिसलाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।